चलते हैं जल्दी जल्दी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और फुल एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज हम चले किसी स्पेशल से मिलने। एक्चुअली आज हम जा रहे हैं अनुज भाई से मिलने। अनुज भाई करीब करीब 6 महीनों की छुट्टियों के बाद घर आ रहे हैं और वो एक इंडियन आर्मी में जवान है। सो अब चलते हैं अनुज भाई को लेने के लिए बिलासपुर, आपको भी ले चलते हैं साथ। जो एक जवान होता है उसकी ड्यूटी सबसे टफ होती है, मतलब वो सरहद पे खड़े रहते हैं और हम लोगों की रक्षा के लिए, और मतलब उनको छुट्टियां बेहद मतलब काफी समय के अंतराल के बाद मिलती हैं। सो एक बेहद जबरदस्त और एक टफ जॉब है आर्मी की। हम जय हिंद मतलब इंडियन आर्मी को सल्यूट दिल से। तो अभी हमने बामटा का पुल ये देखिए क्रॉस किया, अब हम बिलासपुर की सीमा में एंट्री कर रहे हैं बढ़िया में। मैं बिलासपुर बस स्टैंड पहुंच चुका हूं और मैं वेट कर रहा हूं अनुज भाई का कि कब वो बस से उतरे और कब हम उनको पिकअप करें। देखते हैं, एक्चुअली उनके पास काफी सामान है सो मेरे को उतारना पड़ेगा। सो चेक करते हैं भाई के साथ, कुछ हेल्प करवाते हैं। अभी बस आई नहीं होनी को लग रहा है, अनुज भाई शायद इसी बस में होंगे, चेक करते हैं अभी। भाई का बक्सा कम से कम 1 क्विंटल का था और ये देखे भाई जी भी आ चुका। भाई जी नमस्कार। अनुज भाई नमस्कार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, राम राम। सीटों कर दिया फ्लैट और ये देखिए सामान दिया रख। अब चलते हैं घर की ओर। अनुज भाई ठीक ठाक है? बढ़िया भाई, बढ़िया। आप सुनाओ? बढ़िया भाई जी। अच्छा भाई साहब, तो ऊपर फिर ठंड ठुंड भी होगी? ठंड तो बहुत होती है ऊपर। अच्छा, ये तुम्हारी यहाँ ये तुम रानी खेत खाओ खाता बर्फ पड़ रही होनी भयंकर? हाँ पड़ रही पहले बहुत, अब तो ठीक है सिचुएशन। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। तो एक खाता जरा वेख अगर मिलाई कर दी होनी। फर्क तो है बड़ा मौसम च पहले इधर। ये तो है, अब अगली पोस्टिंग जम्मू साइड लंबे के जम्मू साइड। हां पर नहीं पक्का, पता नहीं है ना सिचुएशन। चलो बढ़िया, ऑर्डर पे हुंदा डिपेंड यार। फिर भाई ओखा तो डिसिप्लिन भी अंकर हुंदा होना आर्मी च। आर्मी हुन डिसिप्लिन तो होना ही है। आर्मी डिसिप्लिन, आर्मी इज नोन फॉर इट्स डिसिप्लिन। एक ताकि खा जाम लगी रहा दुनिया भर रहा जाम लगी रहा। तो अब यहाँ पे पेट्रोल भरवा लेते हैं बढ़िया में। ये देखिए पेट्रोल पंप, और यहाँ पे हम थोड़ी देर आए हैं, यहाँ पे लेते हैं पानी पूरी का जायका बढ़िया में। ये देखिए पानी पूरी, और अब हम गोलगप्पे खा के आ चुके हैं और मोड़ते हैं गाड़ी को और ले चलते हैं हम घर की ओर। और अब हमने अनुज भाई को भी घर छोड़ दिया है। एक्चुअली उनका बक्सा बहुत ही भारी था सो मैं उनके घर तक उनको ड्रॉप करने गया। सो मैं भी पहुंच चुका हूं अपने घर, अब चलते हैं घर की ओर। वो मतलब भाई से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, हृदय हमारा प्रफुल्लित हो उठा भाई से मिलके। एक्चुअली जो आर्मी के जवान होते हैं मतलब उनकी लाइफ बहुत ही एक देश के प्रति होती है। सो बहुत बढ़िया, धूप है, अब थोड़ी देर धूप लगाते हैं और शाम को है हमें धाम। अब जाएंगे हम शाम को धाम की ओर। हम पूर्णतः तैयार हैं भट्टी में जाने के लिए, चलते हैं धाम खाने के लिए। यहाँ पे हम इंतजार कर रहे हैं फिर से अपने भाइयों के साथ। हेलो करो भाइयों।
धाम में जाने के लिए एक्साइटेड हो आपकी नहीं पहले ये भाई। तो हमारे दो बंदे कौन रहे हैं भाई? सोनी और सब्बू जी। वो मतलब हमेशा लेट करते हैं, यही ना अभी वेट कर रहे हैं उनका, देखते हैं कब तक आएंगे वो। पाउडर क्रीम लगाएंगे वांसु जी का कहना। ये देखिए पुराने ब्लॉग का हमने क्लिप नहीं उठाई है, हमेशा की तरह हमारे भाई लेट हो रहे हैं। ये देखिए सोनी स्मार्ट एंड सब्बू हैंडसम आ चुके हैं। हेलो डियर, वरुण भाई और गोलू जी भी आते हो हमारे साथ, ये भी हमारे साथ चलेंगे। और अब हमें यहाँ से पौड़ियों पे चढ़ना पड़ेगा बढ़िया में, और हमारे पीछे यहाँ पे चलते हो। और ये देखिए लोग खाना खा के जा चुके हैं, और हमारे दीपू जी खा के जा चुके हैं। दीपू भाई बाय बाय करते हो, दीपू भाई बहुत प्यार से। हाँ जी, ये विक्ट्री का साइन बनाते हुए अब चढ़ते हैं देखिए पौड़ियों को, और ऊपर है हमें धाम। मतलब यहाँ पे इतनी पौड़ियाँ हैं कि सांस चुकी है फूल। और ये देखिए आप यहाँ का दृश्य, ये काफ़ी टॉप पे हैं इस टाइम हम। ये देखिए इसमें आप सनसेट हो रहा है बढ़िया में। अबे बॉयज थक चुके हैं, सोनू भाई थके तो नहीं आप? थक चुके हैं बहुत, सब्बू जी फुल पावर में चले हैं, चढ़ चुके हैं भाई, सांस चुकी है चढ़। वरुण भाई थक रहे तो नहीं है? हाँ यार दम है ना, दम है बॉस। और गोलू जी चले हुए इस टाइम फुल पावर में, गोलू जी को 1% भी थकान नहीं लग रही। हेलो कीजिए आप दर्शकों को सलाम करते हुए। और ये देखिए और लोग खा के जा रहे हैं, और ये देखिए इस तरह से हम बढ़िया में पंगत में बैठ चुके हैं, और गिलास हमें रहे हैं मिल बढ़िया में। हम यहाँ पे बैठे हैं चावल का कर रहे हैं वेट। सुनी भाई, ओ यार भाई मर चुके हैं बिल्कुल, थके आ रहे हैं और बिल्कुल भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने तो। बढ़िया में हम भी ऐसे भूख से इस टाइम व्याकुल हैं, और गोलू जी भी हमारे। गोलू जी आपको भूख नहीं लगी है? हाँ लगी है भाई। तो चावल आए नहीं है अभी? अभी तो फिर क्या करें। सब्बू जी भाई भूख नहीं लगी आपको? नहीं लगी। चलो कुछ चावल आ चुके हैं, और ये देखिए हमारे भाई बहुत खुश हैं चावल आने के बाद। ये धौंद आ चुकी है, सोनू जी भी तो डरवाते और सब। हम खा के चुके हैं उठ, और कैसा मजा है छोटू भाई? मजा है। हेलो हेलो हेलो, तो अब चलते हैं माथा भी टेक ही आते हैं बढ़िया में। जय माता दी, जय हो। और हम भी हो चुके हैं खा के फ्री बढ़िया में, मतलब धोन दाल खा ली है फिर से पेट भर के। देखिए हमारे भाइयों की आपसी गुटबाजी चली है, इसमें इनकी वार्तालाप सुनाते हैं हम बीच में घुस के। ये देखिए इस टाइम आपको लाइव फुटेज बताएंगे हम। इतनी पौड़ियां उतरनी पड़ रही हैं, ऐसा लगता है कि उतरते उतरते ही मेरे ख्याल से ये खाना पच जाएगा और फिर से भूख लग जाएगी। क्यों गोलू जी? हाँ जी भाई जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये बाकी आगे बॉयज चलते हुए, और आप नजारा कीजिए इस मैच चेक का। आप ये देखिए मतलब बहुत जबरदस्त सन चुका है हो सेट। माफी चाहूंगा इस समय फोन की बैटरी हो चुकी है डेड, और हम चले हैं इस समय घूमते फिरते, इसकी वजह से फ्लैश ऑन नहीं हो पा रही। वो मैं भी फाइनली घर पहुंच चुका हूं बढ़िया में। तो अब मैंने एडिटिंग का काम भी कर दिया फिनिश, इसी के साथ आज के ब्लॉग की करते हैं यहीं पर समाप्ति। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कृपया लाइक कमेंट एंड शेयर ठोक के कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।